और ये देखिए फिलहाल सुपरस्टार धर्मेंद्र को आप देख रहे हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज भी वोट कास्ट करते नजर आए हैं। एक तरह से मैसेज भी ये दे रहे हैं तमाम यंगस्टर्स को, लोगों को, कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए, जलपान बाद में करिएगा, पहले मतदान। तो धर्मेंद्र को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। और अक्षय कुमार ने भी सुबह ही जाकर सबसे पहले काम यही किया है कि वोट कास्ट कर दिया है। परेश रावल ने भी, ये बॉलीवुड के तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और एक मैसेज भी दिया है कि हमने तो भाई वोट डाल दिया है, आप भी अपने घरों से निकले वोट डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं आपके लिए भी, अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है जरूर जाएं। जैकलिन फर्नांडिस को देख रहे हैं, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। और साथ ही आप देखिए तमाम जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, इंडस्ट्री के जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी वोट डाल दिया है, चाहे अक्षय कुमार हो, धर्मेंद्र यादव हो, परेश रावल हो। और बगल में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि आपकी तस्वीर भी न्यूज 18 दिखाएगा, आप वोट कास्ट करिए, अपनी सेल्फी भेजिए, हम आपकी तस्वीर दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो स्टार हैं बॉलीवुड के, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। अलग अलग सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने ये साइन भी दिखाया है, स्याही भी दिखाई है इंक की। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील, क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense. जो लोग वोटिंग नहीं करते उनसे क्या, उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही ना। चले प्लीज, चले चले। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हेमा मालिनी ने भी वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करने के बाद जो रिएक्शन आ रहे वो हम आपको सुनवा रखे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप सुन रहे थे धर्मेंद्र जी को, उनकी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, बावजूद इसके वो आए और उन्होंने वोट कास्ट किया है। हेमा मालिनी को आप देख रहे हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। और सबसे पहले उठ के आपको यही काम करना है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, बाद में कुछ और। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का। सात इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या क्या चाहते हैं हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ए मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप, बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। कैलाश खेर हमारे साथ है। तो सिंगर कैलाश खेर को आपने सुना, उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया, उनकी तरफ से बाइट भी दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे ही आप देश को आगे बढ़ाते रहें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हैं। आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, आप कितने आश्वस्त नज़र आ रहे हैं इन चुनावों में, अगर 14 सीटों पर मतदान की बात करें, विकास की बात हो रही है, धर्म की बात भी की जा रही है, लेकिन जनता विकास चाहती, साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी इस बार जनता वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है, आप कितने आश्वस्त इन स्पेसिफिकली 14 सीटों की बात करें तो? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और लगातार जब आप जनता के कसौटी में खड़े उतरेंगे तो जनता फिर किसी भी भुलावे में नहीं आती है और लगातार फिर आपको वोट करती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 से चुनने के बाद से उत्तर प्रदेश के हर चुनावों में जनता ने भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है, आतंकवाद की घटनाएं देश में नहीं होने दी हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल हमने जो है परिवर्तन किया है, ईपीएफओ के आंकड़े कहते हैं कि 18 करोड़ से अधिक जो है रोजगार जो है 10 सालों में दिए गए हैं, IITs हो, IIM हो, एम्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इसको बहुत अधिक संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। साथ ही साथ गरीबों के लिए हमने जो उनको 4 करोड़ घर दिए
की है और आगे 2 करोड़ हम घर और बनाने जा रहे हैं। हमने गरीबों के लिए जो 80 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा से नीचे थी उसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था करी है, उसके मुफ्त इलाज की व्यवस्था करी है। इलाज ना होने की वजह से लोग घर बार अपना बेच करके उधार ले करके गहने गिरवी रख करके इलाज कराते थे, आज उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बार हमने एक संकल्प लिया है कि 70 वर्ष से अधिक के सभी जितने भी चाहे वो किसी भी आय वर्ग से आते हों उनको हम बीमा देंगे 5 लाख रुपए का। और हम बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के लिए देश को बड़ी संख्या में जो है युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं। 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने स्किल इंडिया के माध्यम से उनको तकनीकी शिक्षा दी है। क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज 18 के साथ और जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रखी हैं जहां पर वोट कास्ट करने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे, वो कह रहे हैं कि सड़क पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो हम वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचेंगे, वहां की जनता को आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि मैं जनता से यही कहूंगा कि आप वोट जरूर कास्ट करिए, जिसको आप पसंद करते हो उसको वोट जरूर जाकर के दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले ये जरूर देखिएगा कि किसने आपके लिए झूठ बोला और किसने आपके लिए काम किया है। आज महिलाएं सुरक्षित निकल पा रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये सुरक्षा के वातावरण की वजह से आ पा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट आएगा और देश का प्रदेश का औद्योगिकरण बढ़ेगा तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक विश्व में आइकॉन के रूप में उभरे हैं कि हर देश का नेता उनसे मिलना चाहता है, हर ग्रुप जो चाहे G7 हो चाहे G20 हो उनके साथ बैठना चाहता है, यह देश के लिए बड़ा सम्मान की बात है। सौरभ जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कितनी आलोक जी की बातों का इत्तेफाक रखते हैं जल्दी से बता दें, फिर कुछ और खबरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं आलोक जी जो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए विरासत भी और विकास भी जो एक नारा प्रधानमंत्री ने दिया इस बार कि हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ लोगों का विकास भी करेंगे, देश का विकास करेंगे, और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। अगर आज विश्व के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के हिंदुस्तान खड़ा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां हैं, और बात कर रहे हैं जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन करके आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति जो है वो भारत जो है विश्व के अंदर बनेगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री 2047 जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं उनका एक विजन है, उनकी नीतियां हैं और एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व के अंदर जो है वो नीतियों के सहारे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से एक विपक्ष है, विपक्ष लगातार जो है कल ही उनकी एक रैली संयुक्त रैली देखने को मिली थी राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव की, इसके पहले हमने देखा इतने चरण के चुनाव निकल गए वो लोग धरती पे जमीन पर कभी भी एक साथ लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए कि मिलकर के जनता के बीच रखे तो सही भाई, आप अपनी बात रखिए कि जनता को किस प्रकार से आप विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या योजना है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी मुद्दों से चूक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार वादे भी कर रही है और वादों के साथ पूरा भी कर रही है, इसीलिए उस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताते हैं, पहले घोषणा पत्र होता था अब कहते हैं नहीं, सौरभ जी आऊंगी।